हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं एक वीडियो और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये एक आईटेल का एक फ़ोन है हमारे पास, आईटेल L6006, और ये आईटेल A48 है। तो ये इसमें FRP है, तो मैं फटाफट आपको देर न करते हुए पहले मैं FRP दिखा दूँ फ्रेंड्स कि इसमें FRP है कि नहीं है। तो इसमें FRP लगी हुई फ्रेंड, तो हम इसको बाईपास करने वाले हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि कई सारे मतलब इसमें दिखाया जाता है कि आप उसके मतलब मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ फाइनली कि इसमें FRP लगी हुई है कि नहीं लगी हुई फ्रेंड। तो इसका मैं बिना किसी PC कोई भी PC यूज़ नहीं करूँगा, और इसकी FRP बाईपास करके मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे। और जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ये लावा का A48 मॉडल है, जैसा कि मैं दिखा दूँ आईटेल। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसको बाईपास करेंगे, और आपको मैं एक चीज़ छोटा सा हाईलाइट बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको कहा जाता है कि आप इसको टैप करिए, यहाँ पे आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है, पर यहाँ पे कोई भी सेटिंग और कोई भी आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है और आप बाईपास के वीडियो बहुत सारे देखते हैं और आप उसमें सक्सेस नहीं होते हैं, तो आप बाईपास नहीं कर पाते हैं फ्रेंड। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ जेन्युइन बनाता हूँ। आज मैं कुछ मतलब जो करूँगा आपके सामने, जो भी हाइड ऑप्शन होते हैं उनको मैं अनहाइड करूँगा, और सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे प्रैक्टिकल देने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप बाईपास करने जाते हैं तो यहाँ पे ये नहीं होता, दो मेथड होता है, या तो आप कीबोर्ड मेथड यूज़ करते हैं या तो फ्रेंड्स आप जाते हैं यहाँ पे कॉल मेथड, आपको इमरजेंसी में दिखाया हुआ है। तो दोनों ही आपका फेल होने वाला है, यहाँ पे दोनों ही काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे एक्चुअल तरीके से बाईपास ईजी तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमें वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, या फिर आपका सिम दे दो, या फिर वाईफाई कोई भी आप कनेक्ट कर लो यहाँ पे फ्रेंड्स। तो मैं भी यहाँ पे वाईफाई, मैंने यहाँ पे सिम का नेटवर्क ही कनेक्ट है। अब उसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। जो अभी आपका है इमरजेंसी कॉल में आप जब जाते हैं तो ये आपका काम नहीं करता है, पर ये मैं यहीं से करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मैं ये कीबोर्ड वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करने वाला हूँ। जैसे आप ऐड नेटवर्क में जाते हैं, ऐड नेटवर्क को आप करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसमें आपका सेटिंग या कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का मिले। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। हमें जाना है इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी में जाने के बाद इसको डबल टैप को क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पे फ़ोन को रख देता हूँ एक्चुअल में आराम से। अब उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट में जाना है, एडिट में। उसके बाद हमें देखिए हमारे पास एक कॉन्टेक्ट है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको सिम यहाँ पे लगा लेना है तभी जाके आपको होगा। ये हमारा कॉन्टेक्ट आ चुका है। यहाँ पे आपको जाने के बाद फिर आपको करना है शेयर, इसलिए मैं वॉइस के साथ बना रहा हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पे आप कर देंगे कंटिन्यू। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको मैसेंजर को सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कोई भी यहाँ पे टैब यूज़ नहीं करना है आपको, मैं इसीलिए क्लियर वॉइस कर रहा हूँ। मैसेंजर को आपको क्लिक करना है, तो और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं इस तरीके का नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको करना है एडवांस। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रोमिसेस। तो गाइस आपको यहाँ पे जाना है, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये देख सकेंगे यहाँ पे SMS ऐप करके एक लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। SMS ऐप करके लिखा हुआ है, तो आपको SMS ऐप पे टिक करना है। तो जैसे आप यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक तो आप देख लेते हैं फ्रेंड्स, पर जैसे आप यहाँ तक आते हैं तो आपको कुछ भी यूट्यूब दिखता ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे आपको लाना है। यहाँ पे आप सर्च का एक आइकन दिख रहे होंगे, आप इस सर्च के आइकन में आपको लिखना है यूट्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YOU, यूट्यूब आपको लिख देना है। तो मैं पूरा टाइप कर देता हूँ YOUTUB। ये देखिए यूट्यूब आ गया। तो ये आपको यूट्यूब के यहाँ पे चले जाना है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे चला गया है। अब यहाँ पे आपको जाना है, क्योंकि ये यूट्यूब ही नहीं दिखता है तो आप वहाँ से बैक हो जाते हैं, बोलते हैं अरे यहाँ तो यूट्यूब है ही नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सर्च आइकन में जा करके यूट्यूब आपको चला जाना है। फिर आपको जाना है एडवांस, और यहाँ पे एडवांस वाले पर एडिशनल सेटिंग इन द ऐप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अबाउट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे अबाउट पे जाना है। अबाउट में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूट्यूब टर्म एंड कंडीशन, ये है आपका मतलब गूगल तक पहुँचने का एक सोर्स, जो कि आप यहीं तक नहीं पहुँच पाते हैं फ्रेंड्स और आपका काम नहीं होता है। पर मैं कोई भी जेनुअन कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, जो भी है आपके सामने फेक वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट, अब बहुत ईजी तरीके से हमारा ये FRP बाईपास हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए खुल चुका है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे FR। ये जो ट्रिक है आप इसको यूज़ करिए जितने फ़ोनों में हो सकता है, FRP FILE, बिना किसी स्पेस के आपको लिखना है। FRP फाइल लिखना है आपको, बिना किसी स्पेस के लिखना है फ्रेंड्स FRP फाइल, और कर देना है आपको नेक्स्ट।
तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ये देखिए पहले ही साइड में जाना है आपको, बाईपास गूगल अकाउंट FRP पे आपको जाना है। यहाँ पे पहले ही आपको अकाउंट इसमें जाना है। तो इसमें जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा है। यहाँ पे तो पहला वाला जो आपको डाउनलोड करना है ये बाईपास FRP 1.0, आपको ये पहला एक डाउनलोड कर लेना है। तो मैं एक डाउनलोड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे प्रोमिसेस कर का एक ऑप्शन आता है, उसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कर देंगे ओके। अब उसको दूसरा जो आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे, ये सैमसंग गूगल अकाउंट मैनेजमेंट 8 पॉइंट, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको 8.9 ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको कर देता हूँ मैं ओके। यहाँ पे कोई भी की प्रेस हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये देखिए डाउनलोड हमारा ये दोनों हो चुका है। हमें केवल ये 6, तो फ्रेंड्स फिर आपको 3 डॉट में जाके डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद आप देख सकते हैं 3 एक मेरे से टच हो गई थी, पर फिर ये आपको एक नहीं चाहिए, आपको 6 वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आपको ये 2 APK चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले चला देता हूँ, पहले मैं एंड्रॉयड 8.9 ये APK चला देता हूँ। तो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद थोड़ा सा बैक आएंगे आप, उसके बाद हमें इंस्टॉल कर देना है। तो ये देख सकते हैं गूगल मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड्स। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए डन हो चुका है। अब डन करने के बाद हमें फिर FRP बाईपास APK को करना है इंस्टॉल, तो इसे हम भी कर देते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। काफ़ी टाइम में समझाने के साथ मैं वॉइस के साथ ही वीडियो डाल रहा हूँ आपको सामने। तो यहाँ पे फिर कर लेना है ओपन। तो जैसे ओपन आपने कर लिया, देखिए इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन आ रहा होगा। 3 डॉट में आपको जाने के बाद ब्राउज सॉन्ग इन पे आपको यहाँ पे सिंग इन कर लेना है। ये देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ। आईडी डालने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं। ये देखिए हमारा इंटरफेस यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे एक जीमेल आईडी डाल देंगे, कोई सा भी जीमेल डाल देंगे, ऐसा जरूरी नहीं कोई भी आईडी चाहिए। यहाँ पे एक आपको जीमेल डाल देना है, तो मैं यहाँ पे एक जीमेल डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जीमेल डाल दिया है, तो वो स्क्रीन वापस से हो गया है। अब हमें सिंपल से इसे कर देना है रिबूट। अब हमें इसको कर देना है रिबूट, रिस्टार्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको रिस्टार्ट फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी है आईडी डालने के बाद ये सिंपल सा आपको कर देना है रिबूट। मैंने एक जीमेल आईडी डाल दी है। मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ फ्रेंड्स, मैं जो भी है एक जेनुइन वीडियो आपके लिए बनाता हूँ वॉइस के साथ, जिसमें आपको प्रॉपरली तरीके से पता चले कि आप जैसे यूट्यूब तक ही नहीं पहुँच पाते। क्योंकि मैंने अभी देखा है थोड़ा सा कि आपको बताया जाता है कि आप कीबोर्ड के माध्यम से आप टैप करिए, आपका ऑप्शन खुल जाएगा, वहीं तक आप नहीं पहुँच पाते फ्रेंड। बट आपने यहाँ पे देखा, मैंने बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पे बाईपास यहाँ पे आईटेल को हम कर रहे हैं। हम टूल से भी कर सकते थे, पर सबके पास टूल प्रोवाइड नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे बाईपास आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। तो ये फाइनली ये भी हो जाएगा हमारा बहुत इजी तरीके से, और आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ। बट अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो बस जस्ट सेकेंड, आईटेल अभी हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ओपन हो जाता है तो मैं आपको फाइनली पूरा प्रोसेस ही करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। कोई भी वीडियो मैं स्किप नहीं करता हूँ, वॉइस के साथ है। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमारी वीडियो को, और भी हमारी कई सारे वीडियो हैं बाईपास के, सैमसंग के, कई सारे ऐसे वीडियो हैं टूल से भी हैं, तो आप जा करके अनलॉकिंग के हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो हैं, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में ये चालू हो ही जाएगा, जैसा कि आपने देखा था रिबूट, मैंने फिर से वापस से इसको रिबूट किया था। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा या जो भी है, क्योंकि ये इसमें अकाउंट रिमूव हो चुका है, ये एयरटेल लिखा, और उसको जैसे हमने अकाउंट दिया था केवल हमने सिंपली इसको रिबूट किया था। और रिबूट करने के बाद आप इसको देखेंगे, फाइनली हमारा ये जॉब डन हो चुका है। तो फाइनली अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो भी मेथड था, हमने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया था यहाँ पे, जो भी है जेन्युइन वीडियो है, आप इजीली तरीके से उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा वही फ़ोन है आईटेल का A48, जैसा कि मैं आपको दिखा दूंगा ये, और बहुत इजीली तरीके से हमारा ये अनलॉक हो चुका है। तो आई होप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.